स्वागत है आप सभी का उर्मिला देवी पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। तो सुप्रभातम छात्रों, तो आज हम लोग बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर के बारे में चर्चा करेंगे। हिंदी के अंतर जैसे कि पिछले टॉपिक पर चर्चा किए थे पत्र, पत्र के प्रकार, आज हम पत्र के भेद के बारे में चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? पत्रों के भेद, पत्र के कौन कौन से भेद होते हैं। ठीक, पत्र के भेद। यदि पत्रों के स्वरूप के बारे में चर्चा किया जाए तो हमें समझ में आता है पहला पत्र होता है पारिवारिक पत्र। पारिवारिक पत्र, ठीक। अब ये पारिवारिक पत्र क्या होता है? परिवार के एक सदस्य जब दूसरे सदस्य के बारे में उनके हालचाल लेते हैं, उनके सुख दुख के बारे जानना चाहते हैं, तो जो पत्र लिखते हैं वही होता है पारिवारिक पत्र। बात समझ में आई? तो परिवार के एक सदस्य जब दूसरे सदस्य को जब पत्र लिखता है तो उसे पारिवारिक पत्र कहा जाता है या पारिवारिक पत्र कहलाता है। बात क्लियर समझ में आई? ऐसे पत्रों में प्रेम होता है, सद्भावना होती है, आत्मीयता के भाव लक्षित होते हैं। किस किस की? प्रेम की भाव, सद्भावना की भाव और आत्म अभिव्यक्ति या भाव लक्षित होते हैं। प्रत्येक पत्र, प्रत्येक पत्र चाहे जिस प्रकार का भी क्यों न हो, एक निश्चित रूपरेखा होती है। यानी प्रत्येक पत्र का एक निश्चित रूपरेखा होती है। तो पारिवारिक पत्र की जो रूपरेखा होती है वह निम्नलिखित है। पहला होता है जब आप पत्र भेजने जाते हैं तो प्रेषक का पता, क्या होता है? प्रेषक का पता सबसे जरूरी है, क्योंकि बिना पत्र के कहां जाएगा भैया वो पत्र। प्रेषक का पता, बात क्लियर हुई? दूसरी बात है दिनांक, किस दिन आप पत्र लिखे। तीसरी बात की चर्चा करें तो संबोधन, वही शिष्टाचार बताया था ना, बड़ों के लिए क्या संबोधन करना है, बराबर के लिए क्या संबोधन होना चाहिए, छोटे के लिए क्या संबोधन होना चाहिए। ये था आपका संबोधन। तीसरा, चौथे टॉपिक की बात करें तो अभिवादन, क्या था? अभिवादन। चौथा, पांचवें टॉपिक की बात करें तो कलेवर, क्या है ये? क्लेवर। अब कैसे पता चलेगा? जैसे प्रेषक का पता, प्रेषक की पता में क्या होना चाहिए? पहले पहले नाम, जैसे मान लीजिए मैं ही हूं तो अनिल कुमार, ठीक, नाम हो गया। उसके बाद गांव, कि किस गांव में क्या होना, नाम। फिर उसके बाद गांव, रसार। फिर उसके बाद डाकखाना बरौत। फिर उसके बाद जिला। फिर उसके बाद प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ये क्या हुआ? पता में हुआ। दिनांक, मान ली दिनांक में हो गया आपका,
31/8/2020। संबोधन किसके लिए लिख रहे हैं? संबोधन में मान लीजिए यदि पिता पुत्र के लिख रहा है तो लिखिएगा प्रिय पुत्र। हर पिता की नजर में उसका जो पुत्र होता है प्रिय ही होता है, तो प्रिय पुत्र। ये क्या हो गया? संबोधन। अभिवादन कैसे करेगा वो? अभिवादन, प्रसन्न रहो। क्लेवर नहीं समझवा, क्लेवर मतलब किस लिए पत्र लिखा जा रहा है, उसका उद्देश्य क्या है। ठीक, पिता कह रहा है कि मुझे 5000 रुपए की आवश्यकता है तार द्वारा भेज दो। पहले तार ही आता, तार द्वारा भेज दो। ये हो गया क्लेवर, तो मतलब किस लिए पत्र लिखा गया है। ठीक, एक है स्वनिर्देश, छठा स्वनिर्देश। स्वनिर्देश मतलब अब उसमें लिखा जाएगा तुम्हारा शुभाकांक्षी, मतलब तुम्हारा शुभ चाहने वाला, और हर पिता अपने पुत्र का शुभ ही चाहता। तुम्हारा शुभाकांक्षी, अंत में हस्ताक्षर। अंत में हस्ताक्षर, हस्ताक्षर में पिता अपना नाम लिख देगा। मान लीजिए ए के वर्मा। तो ये हुआ पारिवारिक पत्र में महत्वपूर्ण बातें। पहले प्रेषक, प्रेषक का पता जो जहां पर पत्र जाएगा, उसके बाद दिनांक, किस तारीख को दिनांक पत्र लिखा गया। उसके बाद संबोधन, शुरुआत में संबोधन ही महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद अभिवादन, तो प्रसन्न रहो क्या कैसे है। फिर उसके बाद क्लेवर, क्लेवर में किस लिए पत्र लिखा गया, तो मुझे 5000 रुपये की सख्त आवश्यकता है, तुरंत तुरंत, तो जल्दी आने पहले माध्यम के था तार द्वारा भेज दो। स्वनिर्देश, तुम्हारा शुभाकांक्षी, तुम्हारा शुभ चाहने वाला। ठीक, और उसके बाद स्वनिर्देश, तुम्हारा शुभाकांक्षी, हस्ताक्षर जो लिख रहा है वो पत्र, तो हस्ताक्षर में उसका क्या होता है, नाम होता है। इस प्रकार आप देखते हैं कि जितनी भी सारी चीजें थी वो एक पारिवारिक पत्र में आपको मिल गया। अब नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं, एक हम ग्राहक के द्वारा कि संबंध में किस किस से संबंध में कैसा संबोधन किया जाता है, और उसका अभिवादन कैसे होता है, स्वनिर्देश कैसे होता है। यहाँ मान लीजिए हम लेते हैं संबंध। ठीक, पहला क्या था, ये हो गया आपका संबंध। अब संबंध में संबोधन क्या होगा, संबोधन, संबोधन के बाद अभिवादन क्या होगा, उसका अभिवादन,
अभिवादन के बाद स्वनिर्देश क्या होगा उसका? स्वनिर्देश देखिए, मान लीजिए पिता पुत्र का अगर लिख रहा है, पिता पुत्र का संबंध है, संबंध क्या है? पिता और पुत्र का। अब संबोधन क्या होगा? एक पिता अगर पुत्र को पितृ लिख रहा है तो लिखेगा प्रिय राम, संबोधन में क्या होगा? शुभाशीष, शुभ आशीष। शुभाशीष स्वनिर्देश में क्या होगा बताइए? स्वनिर्देश तो स्वनिर्देश होगा तुम्हारा शुभाकांक्षी। तुम्हारा शुभाकांक्षी ये किसमें था? पिता पुत्र का यह संबंध है तो संबोधन लिखेगा प्रिय राम, अभिवादन लिखेगा शुभाशीष, स्वनिर्देश में तुम्हारा शुभाकांक्षी। यदि यहीं पर देखिए संबंध, पुत्र पिता को अगर पत्र लिख रहा है तो उसका संबोधन क्या होगा? तो कहेगा पूज्य पिताजी, पूज्य पिताजी। अभिवादन में क्या कहेगा? सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। स्वनिर्देश में क्या कहेगा? आपका आज्ञाकारी बेटा या आपका प्रिय बेटा, आपका प्रिय बेटा। ठीक। अब देखिए, यदि माता पुत्र को, माता पुत्र को अगर पत्र लिख रही है तो क्या कहेगा? जिसे यहां पर क्या था, पिता पुत्र को था तो प्रिय राम, अगर माता पुत्र को लिख रही तो प्रिय अरविंद। संबोधन एक ही रहेगा, प्रिय अरविंद। अभिवादन में शुभाशीष एक ही रहेगा, जो ये रहेगा वही यहां भी है, शुभाशीष। स्वनिर्देश में भी वही रहेगा तुम्हारा शुभाकांक्षी, तो यहां भी रहेगा तुम्हारा शुभाकांक्षी। बात समझ में आई? यदि पुत्र माता को, पुत्र माता को पत्र लिख रहा है तब क्या करेगा? संबोधन में क्या कहेगा? पूज्य पिताजी, वो कहेगा पूज्य माताजी या पूजनीय माताजी। सादर प्रणाम तो यहां पर भी होगा, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। यहां पर था आपका प्रिय बेटा तो यहां पर भी था आपका प्रिय पुत्र। आपका प्रिय पुत्र। अब देखिए, यदि मित्र मित्र को पत्र लिख रहा है तब क्या करेगा? मित्र, एक मित्र
दूसरे मित्र को यदि पत्र लिख रहा है तब वो क्या करेगा संबोधन में, कहता है प्रिय अरविंद जी या मित्रवर अरविंद जी, मित्रवर श्याम जी, अभिवादन में क्या करेगा वो सप्रेम नमस्ते, नमस्ते अपने बराबर सप्रेम नमस्ते। स्वनिर्देश में क्या करेगा आपका अपना ही, आपका अपना ही। ये तो था मित्र मित्र के लिए पत्र। अब गुरु शिष्य के लिए, गुरु शिष्य के लिए यदि पत्र लिखेगा संबोधन में क्या कहेगा बताइए। प्रिय राम, प्रिय राम, शुभाशीष, शुभाशीष, प्रिय राम शुभाशीष। स्वनिर्देश में वही रहेगा तुम्हारा शुभ चिंतक। तुम्हारा शुभ चिंतक। ठीक, इस प्रकार आप देखते हैं परिवार कि ये सब सारी चीज होती हैं। गुरु शिष्य, और अगर हम चर्चा करते हैं शिष्य गुरु का, शिष्य गुरु बताइए, शिष्य गुरु में संबोधन में क्या होगा यह चर्चा किया जाए। शिष्य और गुरु, तो शिष्य गुरु में तो शिष्य क्या कहेगा श्रद्धेय गुरुजी, श्रद्धा के साथ, श्रद्धेय गुरुजी, श्रद्धेय गुरुजी। सप्रेम क्या कहेगा सादर प्रणाम या चरण स्पर्श, चरण स्पर्श। यहां क्या कहेगा आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपका आज्ञाकारी शिष्य। आपका आज्ञाकारी शिष्य। ठीक, आपका आज्ञाकारी शिष्य। तो ये चीज देखिए एक बार फिर से इसको आपको याद करना पड़ेगा, कंठस्थ कर लीजिए। और पत्र में बहुत जरूरी है, डीलेट में एक 5 नंबर का 2 नंबर का आता है पत्र लिखने के लिए। तो इसको एक बार फिर समझ लीजिए, संबंध किसका क्या, पिता पुत्र के संबंध, पुत्र पिता के संबंध, माता पुत्र के संबंध, पुत्र माता के संबंध, मित्र मित्र का संबंध, गुरु शिष्य का संबंध, शिष्य गुरु संबंध। यदि पिता पुत्र को पत्र लिख रहा है तो संबोधन क्या करेगा, यानी पिता किसको पुत्र लिख रहा है, पत्र लिख रहा है पुत्र को, पिता द्वारा पत्र लिखा जा रहा है तो प्रिय राम या प्रिय बेटा, शुभाशीष अच्छे आशीष अच्छे हो तुम, ये क्या था अभिवादन। स्वनिर्देश में क्या कहेगा तुम्हारा शुभाकांक्षी, तुम्हारा शुभ चाहने वाला। यदि पुत्र पिता को पत्र लिख रहा है तब
पूज्य पिताजी सादर प्रणाम या चरण स्पर्श जो भी हो, आपका प्रिय बेटा जो नाम हो, माता पुत्र को लिख रहा है तब यही रहेगा, प्रिय अरविंद जी, प्रिय बेटा श्याम, शुभ आशीष तुम्हारा, शुभाकांक्षी तुम्हारा शुभ चाहने वाला। यदि पुत्र माता को लिख रहा है तब पूजनीय माता जी किसमें, संबोधन में, अभिवादन, सादर प्रणाम या चरण स्पर्श, आपका प्रिय पुत्र जो भी नाम हो, मित्र मित्र को लिख रहे होगा तब मित्रवर श्याम जी, मित्रवर अरविंद जो भी नाम हो, जिसके जो नाम हो, सप्रेम नमस्ते, पूरे प्रेम के साथ नमस्कार, आपका अपना ही, आपका अपना दोस्त, आपका अपना साथी, आपका अपना मित्र। गुरु शिष्य को लिख रहा होगा तब प्रिय राम जी, प्रिय श्याम जी, प्रिय मोहन, जो भी शिष्य का नाम होगा वो प्रिय राम जी, शुभाशीष, शुभ आशीष तुम्हारा शुभ चिंतक, तुम्हारा शुभ चाहने वाला जो भी हो, कौन होगा, टीचर्स नाम होंगे। शिष्य गुरु को लिखेगा श्रद्धे या श्रद्धे गुरु जी, आपको चरण स्पर्श अभिवादन में, स्वनिर्देश में, स्वनिर्देश लास्ट में क्या होता है, आपका आज्ञाकारी शिष्य जो भी होगा वे शिष्य, ठीक। इस प्रकार हम देखते हैं कि अब अग्रज अनुज को यदि पत्र लिख रहा है तब, अग्रज मतलब बड़ा भाई, अग्रज मतलब बड़ा भाई, अनुज मतलब छोटा भाई, यदि बड़ा भाई छोटे भाई को पत्र लिख रहा है तब वो संबोधन में क्या कहेगा, प्रिय सुरेश, प्रिय रमेश, प्रिय भाई, प्रिय सुरेश, शुभाशीष, 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 स्वनिर्देश में क्या कहेगा, तुम्हारा शुभाकांक्षी, तुम्हारा शुभाकांक्षी, ये था अग्रज भाई अनुज को, मतलब बड़ा भाई छोटा भाई जब पत्र लिख रहा है तब, अगर यही अनुज मतलब छोटा भाई यदि बड़े भाई को पत्र लिख रहा है तब, अनुज अगर छोटे भाई अगर बड़ा भाई को पत्र लिख रहा है तब, तो लिखेगा पूज्य भाई साहब, पूज्य भाई साहब, पूज्य भाई साहब, अभिवादन में क्या लिखेगा, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। स्वनिर्देश में क्या लिखेगा, आपका स्नेही, तुम्हारा नहीं रहेगा, आपका स्नेही, आपका स्नेही कांक्षी, आपका स्नेही कांक्षी। इसके अतिरिक्त पत्र में एक चीज और महत्वपूर्ण है कि पत्र में पता लिखना भी पत्र का आवश्यक अंग माना जाता है, ठीक। शासकीय विभाग के किसी, मान लीजिए पत्र पाने वाले का भी स्पष्ट पिन कोड सहित लिखा जाता है, जो पत्र पाता है, जैसे जो भी हो नाम, उसका ग्राम, पोस्ट, तहसील और उसका
जिला, बाद में अगर प्रदेश हो तो प्रदेश, ये सब चीजें पत्र के आवश्यक अंग माने जाते हैं। अब मान लीजिए आपको आवेदन पत्र लिखना है, क्या लिखना है? आवेदन पत्र। तो आवेदन पत्र में क्या क्या चीजें आवश्यक होती हैं? आवेदन पत्र में मान लीजिए आवेदन पत्र विद्यालय के प्रधानाचार्य को, किसी शासकीय विभाग के किसी अधिकारी को तथा किसी फर्म के अधिकारी के लिखा जाता है। तो आवेदन को लिखने का निम्नलिखित नियम है। पहला, पत्र के बाईं ओर, पत्र के बाईं ओर, बताइए पत्र के बाईं ओर क्या लिखा जाएगा? सेवा में, क्या लिखेंगे? सेवा में। कहाँ लिखा जाता है ये? पत्र के बाईं ओर। उसके बाद प्रेषिता का पद एवं पता लिखा जाता है, प्रेषिता का, जिसको प्रेषित की जाती है, प्रेषिता का पद एवं पता। जैसे मान लिया जाए आप पत्र लिख रहे हैं सेवा में ये हो गया। अब प्रेषिता का पद किस पद में? सेवा में प्रधानाचार्य। किस पद पे हैं? प्रधानाचार्य के पद पे हैं। पद एवं पता कहाँ पे प्रधानाचार्य के पद में हैं? तो कोई भी कॉलेज का आप यहाँ नाम डाल दीजिए, जैसे मान लीजिए प्राइमरी का है, प्राइमरी विद्यालय रसार प्रयागराज, ये रहा। तो पत्र के बाईं ओर सेवा में, हमने यहां लिख दिया सेवा में, प्रेषिता का पद प्रधानाचार्य के पद पर, पता क्या था? पता, ये हो गया। अब संबोधन के लिए सेवा में ये हो गया प्रयागराज, अब लिखा जाता है महोदय सविनय निवेदन है, तो प्रारंभ कहां से होता है? इतने लिखने वाले यहां लिखा जाता है नीचे से महोदय, प्रारंभ कहां से जाता है? बात कहना शिष्टाचार के साथ महोदय। उसके बाद अभिवादन नहीं लिखा, सीधे निवेदन है कि महोदय आपसे सबने निवेदन है कि प्रार्थी ये जो भी मैटर हो। उसके बाद स्वनिर्देश आ जाता है, ठीक। तो ये कहाँ लिखा जाता है? हस्ताक्षर पद के दाईं ओर लिखा जाता है। यहाँ लिखिए महोदय ये स्वनिर्देश, स्वनिर्देश में क्या लिखा जाता है? आपका भौदी, आपका विश्वास पात्र, आपका प्रिय मित्र, ठीक। ये थे आवेदन पत्र, आपको कैसे लिखना चाहिए, आवेदन पत्र कैसे होते हैं, संबंध क्या होते हैं, ठीक, और कैसे लिखे जाते हैं, ये सब चीज। तो आप एक आवेदन पत्र लिखिए, हम आपको एक काम देते हैं, आप लिखिए, आप एक इसी बेस पर आधार पर लिखिए प्रधानाचार्य को एक दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, प्रधानाचार्य को एक दिन के लिए या अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र का नमूना बनाइए। तो क्या करेंगे? पहले होता ना पत्र के बाईं ओर, यहाँ से लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्राइमरी विद्यालय जो भी हो। उसके बाद यहाँ से पहले क्या लिखेंगे? सेवा में प्रधानाचार्य,
तो यहाँ प्रधानाचार्य नहीं होगा, ठीक, या प्रधानाध्यापक जो भी कहिए। महोदय, सविनय निवेदन है कि मेरी बहन का 22 नवंबर को विवाह है, इसलिए मैं विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता। कृपया मुझे 21 नवंबर से 23 नवंबर तक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। स्वनिर्देश क्या लिखेंगे? आपका आज्ञाकारी शिष्य महेश, कक्षा 8। ठीक, दिनांक कहाँ लिखा जाता है? इसी के जस्ट इस बगल में। क्या लिखेंगे? दिनांक। ठीक, तो हमें लगता है, आशा करते हैं कि आपको पत्र आसानी से लिख लेंगे, इसमें आपकी कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ अपना मैटर लिखेंगे, लास्ट में स्वनिर्देश, और जहाँ स्वनिर्देश होगा इसी ठीक बाईं ओर आपको दिनांक लिख देना है। आशा करते हैं कि आप पत्र को लिखना जान गए होंगे, क्या क्या होते हैं वो भी अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे। ठीक, तो अब हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।